अरे मोदी जी, लालू जी, राहुल, केजरीवाल जी, अरे कैसे बैठे पड़े हो? ये खीर की प्याली एक एक उठाओ और खाना शुरू करो। जरूर वैसे जी, जरूर खाएंगे। जब ईद की दावत पर आपने बुलाया है तो जरूर आपके यहाँ की खीर और सिवई खाएंगे हम। अभी खाते हैं। पहले तो वैसी जी, हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले साल ईद की दावत पर आपने मुझे बुलाया था, जो आपने खीर खिलाई थी उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह से नहीं गया है। अरे मोदी जी, इस साल की खीर तो खाकर देखो, इस साल की खीर तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेवा डाली है। और ये जो आपके बराबर में लालू जी बैठे, इन्हीं के यहाँ से भैंस का दूध मंगाया था मैंने खीर बनाने के लिए, लेकिन लालू जी आपने दूध के रेट बहुत बढ़ा दिए। वैसी जी, दूध के रेट को देख रहे हो? मैं भैंस का बिल्कुल प्योर दूध बेचता हूँ, इसीलिए मेरे दूध के रेट ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो आपकी खीर का स्वाद बढ़िया होता है। चलो ये तो रही बिजनेस की बात है, लेकिन उबैसी जी, आपके हाथ की बनी हुई सिवई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिवई की प्याली लाओ एक मेरे लिए। आप ईद की दावत पर बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। मेरी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे लालू जी, और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे अखिलेश, तुम ईद की दावत पर बड़ा देर से आयो, अब आयो। सबसे पहले तो फोन मैंने आप ही को किया था। क्या बताऊं वैसी जी, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, इसीलिए खेत पर चला गया था। अचानक मुझे याद आया कि वैसी जी ने ईद की दावत पर बुलाया है, तुरंत भागा चला आया। और वैसी जी, हमारी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राहुल बेटे, खाना शुरू करो। वैसी जी के हाथ की खीर बनी हुई बहुत ही अच्छी होती है, ईद के मौके पर ये बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं। कैसे बेटे पड़ा, खाना शुरू कर। और राहुल वैसी जी, एक बात तो बोलना मैं आपको भूल ही गई, ईद की मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे सोनिया जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, ये खीर खाना शुरू करो। जब तुम सब लोग खीर खा लोगे, उसके बाद मैं इस सिमई खिलाऊंगा। ये देखो मेरे हाथ में सिमई है। वैसे वैसे जी, आप हमें ईद की दावत पर बुलाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। और राहुल मोदी जी, तुम सब लोग मुझे होली और दिवाली की दावत पर बुलाते हो, तो मेरा दिल भी तो खुशी से झूम उठता है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, अपना सब लोगों को इसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए।